अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी लेमन एसेंशियल ऑयल का रिव्यू, इसके बेनिफिट्स, इसके डिसएडवांटेजेस, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसकी प्राइस, ईच एंड एवरीथिंग आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट में अपना सजेशन एंड रिक्वेस्ट भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो सबसे पहले इसकी आउटर पैकेजिंग की बात की जाए तो ये मैं बहुत ही नॉर्मल एंड मिनिमम क्वालिटी की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में रिसीव होता है, लेकिन इस पर इसके काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स मेंशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। अच्छा, इसकी इनर पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की है, ग्लास बॉटल में अंदर से हमें रिसीव होता है एंड इसका ये प्लास्टिक का कैप एंड अंदर से इसका ड्रॉपर है जो कि ओपन करने के बाद हमें डबल ड्रॉप की शेप में मिलता है, वो भी अंदर से काफ़ी ज़्यादा सेव है। उसको पिन की मदद से ओपन करने के बाद आप इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके यहाँ पे जो मेंशन है, इसके डिफरेंट यूजेस मेंशन है, इसको हम स्किन केयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, हेयर केयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, मसाजिंग के लिए एंड इसको कुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ये क्लेम करते हैं। सो इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसको स्किन केयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये ऑल टाइप्स की स्किन पे काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है, एक्ने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। फ्रेगरेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा सेट्रेसी और जिस तरह के इसके पील्स होते हैं ऑरेंज के स्टाइल की कुछ फ्रेगरेंस हैं, और ये ऑल कंडीशंस एंड ऑल टाइप्स ऑफ स्किन पे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट वर्क करता है। ये हमारी बैक्टीरिया को किल कर देता है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देता है हमारी स्किन को क्लियर कर देता है, जेंटली एक्सफोलिएट करते हैं हम इससे स्किन को, तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। यानी कि हम इसको स्क्रबिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी रेमेडीज़ वगैरह में यूज़ करके। तो इसके अलावा हेयर केयर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है, ये हमारी हेयर ग्रोथ को बूस्ट कर देता है, लेकिन कोई भी एसेंशियल ऑयल उसको स्किन पर और अपने हेयर्स पर डायरेक्टली हम बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते, तो इसको किसी भी आप रेमेडी में यूज़ कर सकते हैं। विटामिन सी, बेसिकली ये लेमन और ऑरेंज ऑयल, ये विटामिन सी के स्ट्रक्चर से फुल होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए, एंड इसको कुकिंग पर्पज़ में भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये बेसिकली फ्लेवर्स के लिए यूज़ होता है, इसको हम ज़्यादातर बेकिंग में यूज़ करते हैं, और मैंने बताया काफ़ी सेट्रेसी सी इसकी स्मेल है, इसके पील्स जैसी, और इसका टेस्ट भी वैसा ही होगा। अच्छा, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा विटामिन और न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं, और लेमन ऑयल जो है ये हमारी एक्सट्रीमली हमारे हेयर्स को की क्वालिटी को जो है ना, हेयर टेक्चर्स को बहुत अच्छी तरह से जो है ना अच्छा कर देता है, और ये हमारी स्किन के लिए तो बेनिफिशियल है ही है, लेकिन ये हमारे हेयर फॉल को भी प्रिवेंट कर देता है। बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, और हमारी हेयर ग्रोथ के लिए, हमारी स्किन की गुडनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा लेमन ऑयल हमारी स्किन के लाइटन करने के लिए एसेंशियल ऑयल डज अ ग्रेट जॉब हेल्पिंग योर स्किन लाइटन एंड ब्राइटन, ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हद तक लाइट कर देता है, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है। इसके अलावा लेमन ऑयल हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट कर देता है, और भी इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, और ये हमारी स्किन के लिए ना अच्छा। इसका साइड इफ़ेक्ट बस इतना ही है कि इसको हमने डायरेक्टली नहीं यूज़ करना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं एसेंशियल ऑयल, तो जब हम इसको डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो पिंपल्स का हमें स्पेशली इशू होता है, डलनेस का या ड्राइनेस का हमें बहुत ज़्यादा इशू होने लगता है, पैचेस बनने लगते हैं, हमारी स्किन जो है ना डैमेज होती चली जाती है, तो इस चीज़ से अवॉइड करना है। इसको किसी भी करियर ऑयल में मिक्स करके यूज़ करना चाहिए, मॉइस्चराइजर्स में यूज़ करना चाहिए मिक्स करके, सीरम्स में यूज़ कर सकते हैं इसको, एज अ विटामिन सी हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक किसी मॉइस्चराइजर में अप्लाई कर मॉइस्चराइजर में मिक्स करके इसको अप्लाई करें, तो ये हमें विटामिन सी वाले बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, स्किन की ब्राइटन एंड लाइटन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है, स्किन को टाइटन कर देता है, और पोर्स को भी क्लॉक करने में काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्थ करता है, हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करता है। कुकिंग का भी मैंने बताया कि इसको बेकिंग वगैरह के पर्पज़ में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो होपफुली कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव दिस वीडियो ह्यूज थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड वाचिंग मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।